नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल मालवे टेक पर। तो आज मेरे पास आया हुआ है सैमसंग का A70S, मॉडल नंबर है इस फ़ोन का। इस फ़ोन में ये चार्जिंग सिंबल बना हुआ आ रहा है, इससे आगे बैटरी परसेंटेज नहीं बढ़ता इसका, ना ये फ़ोन चार्ज होता ना फ़ोन ऑन होता है। तो इस फ़ोन को देखते हैं, इस फ़ोन में क्या बीमारी, क्या सोल्यूशन है इसका, इसे ठीक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो, ये सिंबल बना हुआ आ रहा है, चार्जिंग का लोगो बना हुआ आ रहा है, बस ये यहीं तक रहता है और कभी कभार निकालने पर भी ये लोगो नहीं हटता, ये ऐसे ही दिखाता रहता है। तो आज हम इसे ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे हुआ है फ़ोन ठीक। आप वीडियो पे बने रहे एंड तक, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चले फ़ोन को खोल के देख लेते हैं। पहले से ही इसे खोल के रखा हुआ था, बट आपको दिखाना था, स्क्रू खोला था। आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखना है और बैटरी चेक करनी है, बैटरी की वोल्टेज चेक करनी है और चार्जिंग फ्लैक्स की वोल्टेज चेक करनी है आपको, और जो चार्जिंग का सब पत्ता होता है उसकी वोल्टेज चेक करनी है। मतलब हर जगह की वोल्टेज, जहाँ जहाँ मतलब चार्जर का करंट जा रहा है, वो हमें सब कुछ हर जगह चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला काम आपका यही है। तो हम लॉन्ग पत्ता इसका चेक कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग पत्ते पे आ रहा 5.1 वोल्टेज आ रहा है, शो कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों। देख लिया दोस्तों, यहाँ पर हमारा वोल्टेज इतना शो कर रहा है। मदरबोर्ड भी दोस्तों फ्रेश लग रहा है, किसी ने छेड़ा नहीं है, बस चार्जिंग पत्ता चेंज करके देखा है। कभी भी दोस्तों A70 मतलब सैमसंग का कोई भी सीरीज़ हो जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, उसमें कभी भी लोकल पत्ता ना डालें दोस्तों, क्योंकि CPU से दिक्कत आ जाती है उसमें। तो कोशिश ये करें कि मार्केट से ओरिजिनल चार्जिंग जैक ले आए, चार्जिंग जैक डालें और लोकल पत्ता ना यूज़ करें उसमें, चार्जिंग पत्ता लोकल यूज़ ना करें, क्योंकि उससे होता ही है CPU से दिक्कत आ जाती है फ़ोन में। तो हम धीरे धीरे इसका डिस्प्ले कनेक्टर सब कुछ निकाल लेंगे बाहर, और हम चेक करते हैं इस मोबाइल को। चार्जिंग बोर्ड हमारा सही लग रहा है, लेकिन ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। तो इसे हम चेक करते हैं, ये मेरे पास नया भी है, मैं नया भी है, और चले इसे लगा करके पहले चेक करते हैं क्या ये फ़ोन हमारा चार्ज होता है नहीं होता है इससे, या वही सिंबल दिखाता है। बट आप लोगों के लिए एक तसल्ली के लिए मैंने ये चार्जिंग पत्ता मंगाया है, और लगा करके बोर्ड में कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहूँगा कि इससे चार्ज होता ही नहीं होता। चले दोस्तों, चार्जिंग से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं ये फ़ोन चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हो, ये सिंबल बना हुआ आ रहा है, अभी तक दोस्तों एक आधी परसेंट तो दिखा देना चाहिए था इसे, 1% या 2% शो कर देना चाहिए था यहाँ पे डिस्प्ले पे, बट ये शो नहीं कर रहा। फिर से लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों कितनी आ रही है,
देख रहे हो दोस्तों, वोल्टेज शो नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारे मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और यहाँ पर भी फिर से इस पत्ते में चेक करते हैं, देख रहे हो दोस्तों 5.2 वोल्टेज आ रही है इसमें पत्ते में। मतलब हमारा पत्ता उत्ता सब ओके है, बस ये मदरबोर्ड में दिक्कत है। तो आपको दोस्तों करना ये है कि जब भी इसकी सील्ड आप तोड़ते हो ना दोस्तों, तो ईयर गन से ना तोड़े, निकालें, क्योंकि नीचे सीपीयू ईएमसी है तो दिक्कत हो सकती है, फ़ोन डेड भी हो सकता है आपका और बैंड भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आपके पास कोई बारीक कटर हो तो कटर से काट लें हल्की सी सील्ड को, और वहाँ से हल्का सा बेस बना लें आप, कि आपको निकालने में आसानी हो। और बहुत ईजी तरीका है इसको निकालने का, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो मैं निकाल रहा हूँ इस सील्ड को। बहुत ही आराम से निकल जाता है सील्ड इसका। इसका दोस्तों इनपुट वोल्टेज आ रहा है 5.2, जैसे कि आप देख रहे हो मल्टीमीटर के स्क्रीन पे। फिर से लगाते चेक करते, दोस्तों कभी भी ये ध्यान मत देना, क्योंकि और फ़ोनों की तरह इसमें बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज 4.4 या 4.2 वोल्टेज कभी एग्जैक्ट एक वोल्टेज शो नहीं करता है। तो इससे आप ये ना रहे कि चार्जिंग नहीं हो रही इस फ़ोन में, बट आपको आप देखिए इस वीडियो में मैंने इस फ़ोन को कैसे ठीक किया है, आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो जहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा था 5.2 चार्जिंग फ्लैक्स में आ रहा था, वहाँ से हम एक जंपर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एक जंपर मारना है आपको, और कहाँ मारना है वो आप वीडियो में बने रहे, आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ से मैंने एक जंपर लिया है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपको दूसरा जंपर मदरबोर्ड के इस सिरे पे मारना है जहाँ पर इसका इनपुट वोल्टेज आ रहा है 5.2। क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी कोई लाइन हमारी मिस होती है, कोई ट्रैक मिस होता है, तो ये चार्जिंग की दिक्कत आती है हमारे फ़ोनों में। सैमसंग A50, A50S, A70, A70S, M30, M30S, मतलब जितने भी MA सीरीज़ के या किसी भी सीरीज़ के सैमसंग के जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, किसी में ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, ये आती रहती है, हमें ज़्यादा फेस करने को मिलती है प्रॉब्लम। तो हमने एक ट्रैक बनाया है इसका सिर्फ, और कुछ नहीं किया है, चार्जिंग फ्लैक्स से एक ट्रैक बना करके मदरबोर्ड में इसका अटैच कर दिया हमने। और हम चेक करते हैं यहाँ पे 5.2 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, मतलब हमारा मदरबोर्ड तक भी बिल्कुल ओके हो गया, ये सप्लाई ओके हो गई है बिल्कुल। आपको जंपर दिखा दिया दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आप ये वोल्टेज चेक कर लो और ये फ़ोन आप ठीक कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
ये चार्जिंग सिंबल आ गया है, ये चार्जिंग परसेंटेज भी शो कर रहा है, 2% हो गया इस फ़ोन में। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं आपको ढंग से समझा नहीं पाता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और अपनी वॉइस को सुधारूँगा थोड़ी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो। 3% हो गया इस फ़ोन में, इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा ये। तो आपको जंपर दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, ये इस पॉइंट से मैंने चार्जिंग फ्लैक्स में मारा हुआ, अभी आपको दिखाता हूँ किस पॉइंट पे मारा है। इस कैपेसिटर से और मदरबोर्ड के ये दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों देखो, यहाँ से मारा हुआ मैंने जंपर। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।